Okay, today we will start the next topic, which is properties of determinant. I have explained the properties in the last tutorial. Now we will discuss the question based on those properties one by one. This is your type one. Type one means I have divided the question in different types so that in exam you can easily identify which type of question is this, and it will be directly clicked. At end, the first type, I have included some questions which are all similar to each one. Let us start with the first one. Just observe the question. We have to, in all these questions, we have to prove that the value of these determinant will be zero. This question can become in this way, that without expanding the determinant, expanding means open karna, means cofactor ki helps determinant ki value nikalna. So yahan likha without expanding means hame isko expand nahi karna, isko solve nahi karna hai, determinant ko open nahi karna hai. और या फिर प्रॉपर्टीज का यूज करके हमें शो करना है डिटरमिनेंट जीरो आएगा. ऑल दीज क्वेश्चंस आर सिमिलर, एग्जैक्टली सेम, इन सब का एक ही सॉल्यूशन होगा. बट एक बार पहले क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करते हैं. अगर आप ध्यान से देखें तो ये सारे क्वेश्चंस क्या हैं, ध्यान से देखिए. तो ये जो मैट्रिक्स है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल जीरो होते हैं और ए आई जे इक्वल माइनस जे आई होता है, यानी ये एलिमेंट जो होता है उसी का नेगेटिव होता है. यानी वन टू का नेगेटिव टू वन होगा, वन थ्री का नेगेटिव थ्री वन होगा और थ्री वन थ्री टू का नेगेटिव टू थ्री होगा. तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो ये ध्यान से देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन मैंने लिखे यहाँ पे, ये सारे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट है. ये देखिए ध्यान से, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. जीरो डायगनल जीरो, डायगनल जीरो, डायगनल जीरो, और ये एक दूसरे के नेगेटिव है. माइनस ए, माइनस ऑफ बी, माइनस ऑफ माइनस सी, यानी सी एक दूसरे के नेगेटिव है. यानी सारे के सारे क्या है, सारे के सारे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट है. ए माइनस बी का नेगेटिव बी माइनस ए, सी माइनस बी का नेगेटिव बी माइनस सी, और ए माइनस सी का नेगेटिव सी माइनस ए, राइट. ये सारे के सारे क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. क्वेश्चन नंबर थ्री पे चलते हैं. देखिए यहाँ पे भी ध्यान से, यहाँ लिखा है ए प्लस बी प्लस सी पाई दिया हुआ है. तो मीन्स ए प्लस बी प्लस सी 180 है. तो जब हम यहाँ पे पुट करेंगे, साइन 180 होता है जीरो, साइन 180 जीरो, तो डायगोनल हमारे पास जीरो हो गया. उसके बाद हम अगर a प्लस बी को लिखें यूजिंग दिस, तो a प्लस बी को लिख सकते हैं पाई माइनस सी, क्योंकि a प्लस बी है, c इधर चला जाएगा. तो a को लिख सकते हैं साइन पाई माइनस सी, साइन 180 माइनस थीटा, दैट मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गए. एंड साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन c आ जाएगा. तो इसका नेगेटिव यहाँ बैठा हुआ है, यानी ये भी अभी सॉल्व करके स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट आ जाएगा. cos a प्लस सी, कॉस ए प्लस सी को लिख सकते हैं बेटा कॉस 180, जो कि पाई है, पाई इज 180. इसमें ए प्लस सी रखना है तो बी को ले जाएंगे, तो 180 माइनस बी, कॉस 180 माइनस बी, इस सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो माइनस कॉस बी आ जाएगा. यहाँ कॉस बी लिखा हुआ है, यानी ये इसका नेगेटिव है. टेन बी प्लस सी को लिख सकते हैं टेन पाई माइनस ए, टेन पाई माइनस ए मीन्स टेन 180 माइनस ए, यानी माइनस टेन है, और इसी का नेगेटिव यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि माइनस ऑफ माइनस टेन ए का जो है नेगेटिव टेन ए आएगा. तो ध्यान से देखिए, फिर से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, डायगोनल जीरो, एक दूसरे के नेगेटिव. यानी जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्या हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. और उसी को क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बना दिया कि शो दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, ऑड ऑर्डर मीन्स, ऑड ऑर्डर मीन्स 1 by 1, 3 by 3, 5 by 5, इज ऑलवेज जीरो. यानी हर बार स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर वो ऑड ऑर्डर होगा तो उसका डिटरमिनेंट जीरो आएगा. यानी ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं. तो इन सबका सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो डिस्कस करते हैं. तो जितने कोई भी क्वेश्चन अगर आप आ जाए, आप पहले स्टार्ट करेंगे, लेट ए बी द मैट्रिक्स जिसका हमें डिटरमिनेंट निकालना है. लेट ए बी द मैट्रिक्स एंड वी ऑब्जर्व दैट ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या खास बात होती है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए होता है. नाउ वी हैव टू टेक द डिटरमिनेंट, हमें इसका डिटरमिनेंट लेना है. तो हम इस वाली इक्वेशन का डिटरमिनेंट ले लेते हैं. नेक्स्ट, अब वी नो दैट, हमने लास्ट क्लास में भी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है. तो इससे हमने इस प्रॉपर्टी कैसे लिख दिया, क्या प्रॉपर्टी उसकी मैंने, कि डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए, दिस इज द प्रॉपर्टी. ये हमने यहाँ यूज की, राइट. नेक्स्ट हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इफ वी मल्टीप्लाई एनी मैट्रिक्स विद अ कॉन्स्टेंट के एंड वी वांट टू टेक इट फ्रॉम द
द डिटरमिनेंट वी कैन टेक इट फ्रॉम एनी रो और एनी कॉलम, और जितने के बाहर आएंगे जितनी उसकी रो है, राइट। ये एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने। तो अगर हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाइए, यानी हम के को माइनस वन मान लेते हैं, तो यह आ जाएगा बेटा डिटरमिनेंट ऑफ ए, माइनस वन की पावर आ जाएगा थ्री, ये मैं जो डिटरमिनेंट जो बनाया उनकी बात कर रहा हूँ, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ ए, यानी ए इक्वल टू माइनस ऑफ ए हो गया। इसको तो ले जाएंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये बन जाएगा टू टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ज़ीरो, यानी हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। यानी जितने भी क्वेश्चन ये हैं, इससे पहले जो आपने किए फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन, अब इन सब में बोल सकते हैं कि ये भी ये एक डिटरमिनेंट ऑफ ए है, ये सारे के सारे डिटरमिनेंट ऑफ ए हैं। और हमने इसके बाद इस वर्किंग में जाएंगे कि ए यहाँ पे मैट्रिक्स है जिसका हमने ऑब्जर्व किया कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट निकाला और फिर सॉल्व किया तो इसका आंसर ज़ीरो आ जाएगा। यानी ये सारे तरीके से हम इन क्वेश्चन कर सकते हैं, सबके एक ही तरीके हैं। अब उसके बाद अगर ये क्वेश्चन सेकंड वाला एक बार क्लियर करता हूँ मैं, यहाँ आ जाए ऑड ऑर्डर में, यहाँ पे थ्री बाय थ्री नहीं है तो फिर क्या होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थ्री बाय थ्री नहीं है तो फिर हम कहेंगे क्योंकि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज माइनस ए होगा। इसका हम डिटरमिनेंट लेंगे इसी क्वेश्चन का, तो ये बन जाएगा इस तरह से, ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट ए होता है और यहाँ पे आ जाएगा माइनस वन की पावर एन, हमें ऑर्डर नहीं पता बट एन दिया हुआ है ऑड है क्योंकि ऑड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, और हमें पता है कि माइनस वन इज पर ऑड टर्म, माइनस वन इज पर ऑड पावर हमेशा माइनस वन होती है। ये माइनस से इधर जाके प्लस हो जाएगा तो डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ज़ीरो ये आ जाएगा, यानी हम कह सकते हैं टू टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ज़ीरो हो गया, तो हम कह सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारा ज़ीरो आंसर आ जाएगा। तो दिस इज द वन वे ऑफ सॉल्व दीज क्वेश्चंस, यानी सबका एक ही सॉल्यूशन होगा, राइट। इसका एक और तरीका मैं बताता हूँ आपको कि मान लेते हैं आपके पास क्वेश्चन आ गया कि आपको शो करना है कि इस वाले डिटरमिनेंट को शो करो कि इसका जो आंसर आ रहा है वो ज़ीरो आ रहा है। एक तो तरीका है जनरल अप्रोच के, हमने थ्योरी वाइज कर दिया कि स्टेटमेंट लिखी और उसको फिर सॉल्व कर दिया, बहुत इजी तरीका था। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ध्यान से देखिएगा, मान लेते हैं ये मेरी इक्वेशन वन है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम टेकिंग माइनस वन कॉमन फ्रॉम ऑल द रोस, यानी पहले इस रो में से माइनस कॉमन लूँगा, देन कॉमन फ्रॉम दिस रो एंड दिस कॉमन फ्रॉम दिस रो, आप कॉलम से भी ले सकते हैं। तो कितने वन बाहर आएंगे, माइनस वन बाहर आएंगे, माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन तीन बार। तो जब आप पहले वाली से रो से माइनस कॉमन लोगे, मीन साइन चेंज हो जाएगा, ज़ीरो ए माइनस बी, देन यहाँ पे हो जाएगा माइनस ए ज़ीरो और सी, यहाँ पे हो जाएगा बी माइनस सी और ज़ीरो। ये क्लियर हुआ कंसेप्ट, मैंने क्या किया जितनी भी रोज थी उन सबसे माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेने का मतलब है अंदर सबके साइन चेंज हो गए, राइट। ये माइनस वन इस पर थ्री कितना हो जाएगा, माइनस वन। और अब आप क्या करेंगे कि ना आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके लिख देंगे, यानी ये जो रो थी ये कॉलम बन जाएगा, ये जो रो थी ये कॉलम बन जाएगा, एंड ये जो रो था इसको कॉलम बनाया था। और मैंने क्यों किया ऐसा, क्योंकि हमें पता है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है, यानी अगर हम ट्रांसपोज कर दें तो रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो इक्वेशन आई, ये हमारे पास आ गई टू इक्वेशन, नाउ एड वन एंड टू। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन वन जो एक्चुअल क्वेश्चन था और इक्वेशन टू जो हमारा सॉल्व कर गया, इसको ऐड करेंगे। तो आप देखोगे ये जो डिटरमिनेंट है और ये डिटरमिनेंट आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये बिल्कुल सेम है, ये प्लस है ये माइनस है कट जाएगा, और इस साइड आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए टू टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ ए, और राइट साइड पर आ जाएगा जीरो। क्लियर है, क्योंकि दोनों डिटरमिनेंट एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ प्लस और माइनस है। तो टू टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो है, मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो है। तो ये अप्रोच आप किसी भी क्वेश्चन में कर सकते हैं जो हमने डिफरेंट पार्ट्स किए। यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इसको ए मान लेंगे, यहाँ पे ये क्वेश्चन आ जाए तो इसको ए मान लेंगे, यानी सबसे माइनस कॉमन ले लेंगे और सबका तरीका सेम हो जाएगा। तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो ये मेरी फर्स्ट टाइप थी,
तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा ऑफ ऑड ऑर्डर तो उसका डिटरमिनेंट जीरो आएगा और ऐसे आएगा, राइट। तो नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये छोटा सा वीडियो था, वी विल सेग्रीगेट दीज टाइप्स इन डिफरेंट वीडियोज़, राइट। थैंक यू।